वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको जैसे पता है कल हमारे घर न्यू रेफ्रिजरेटर आया था और मैंने आपको दिखाया भी था, बट थोड़ा लाइटिंग के प्रॉब्लम वजह से आपको उसका कौन सा कलर है वो क्लियर नहीं दिखा था, और मैंने बोला था मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो वो देख सकते हो, ये है हमारा नया रेफ्रिजरेटर जो आया है। थोड़ा नीचे के पास से दिखाता हूँ, दूर से भी दिखा देता हूँ। ओके, और ये इसका फ्रीजर, इसमें अब तक कुछ नहीं रखा गया। और ये है नीचे का ऐसा जो अभी मतलब पूरा फूल नहीं है, थोड़ा बहुत ही रखा गया है। ओके, और ये है हमारा पुराना जो रेफ्रिजरेटर था घर का, आपको दिखाता हूं, रुको। अभी ये पूरा खाली है, देख सकते हो इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। ये क्या है? अरे भाई आइस है ये सब। एक्चुअली अभी ये बंद कर दिया गया था, क्यों मैं आपको बताता हूँ, रुको पहले ये आइस फेंक लेता हूँ। जो हमारा पुराना रेफ्रिजरेटर है ना, ये हमसे जिसने खरीदा है वो भी इसको आज ही लेने आने वाले, मतलब आप इसको कोइंसिडेंस बोल दो या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संजोग या संयोग कुछ बोलते हैं ना। हाँ, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर कल आया और ये रेफ्रिजरेटर आज लेने आने वाले। तो किसी को रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं तो थोड़ी ना यूज करके ऐसे दे देंगे, तो इसका साफ सफाई कर दिया हमने। तो बोला है आप जब चाहे आके ले जाओ, तो उन्होंने बोला है ओ दोपहर 2 या 3 बजे तक तो आके ले जाएंगे। अभी टाइम हुआ है सुबह के 11:50, लगभग 12 बजने वाले हैं और वो अब तक तो नहीं आए, पर उन्होंने बोला है 2-3 बजे के अंदर आके ले जाएंगे, तो वो जब लेके जाएंगे आपको तब भी दिखाऊंगा। तो और एक बात बताना ही भूल गया, आज से जुबली का कॉलेज शुरू हो गया और जो टेक्निकली उसका ही वॉच है, पर मैं पहनता था ब्लॉग में टाइम दिखाने के लिए, मुझे इजी होता था। आज वो अपना वॉच पहन के चली गई, पर उसके बाद 2-3 वॉच है, फिर भी वो वॉच मिलना चाहिए। उसको पता है मुझे चाहिए वो वॉच, ब्लॉग में मैं दिखाता हूँ, फिर भी वो लेके चली गई भाई। तो आपको मैं टाइम ऐसे दिखा नहीं पा रहा, ऐसे घुमा के जो टाइम दिखाता था ना वो अभी नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे, जब वो आएगी ना उससे वॉच वापस छीन के रखूंगा। क्या है मुझे कहा छोटे सा मुझे ध्यान नहीं है, वो मैंने ऐसे बेड पे रख के सो गया था और सुबह से वो पहन के चली गई। गाइस हमारा पुराना रेफ्रिजरेटर जिन्होंने खरीदा है ना, अभी उनका फोन आया था कि वो आज भी लेने नहीं आ सकते रेफ्रिजरेटर। एक्चुअली क्या है ना, उनका ये कहना है कि अभी वो अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। नए घर मतलब वो अपना जो पुराना घर है वो छोड़ के नए घर में रेंट में जा रहे हैं, तो उन्होंने नए घर में पैसे दे चुका है पर घर का जो ओनर है उनको अब तक चाबी नहीं दिया है। तो बोल रहे हम 2-2 बार ट्रांसपोर्ट क्यों करेंगे, एक बार कर लेंगे। तो वो घर वाला बोलता है जो उनका ओनर है, आज दूंगा कल दूंगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद ऐसा चल रहा है। तो उनको बोला था आज दूंगा, तो उन्होंने बोला हम आज आके ले जाएंगे, पर अब तक घर के ओनर ने उनको नहीं दिया है, तो अब तक वो लेने नहीं आ पाए। तो बोला जब वो उनको मिलेगा वो तब आएंगे। चलो ये कब जाता है तब देखेंगे। अभी टाइम हो चुका है 1:20, पहले चलकर लंच करते हैं। और आज लंच में बनाए दाल चावल सलाद, फिर ये चना और इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, और ये बैंगन का भरता भरता या चटनी जो बोलते हैं इसको। अभी टाइम हो चुका है 5:50 और जुबली कॉलेज से आ चुकी है, और ये वही लड़की है जो सुबह वॉच लेके चली गई थी। इधर है वॉच, ये मेरा वॉच, मतलब टेक्निकली उसका है, पर उसने बोला था कि मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम लेंगी, बाकी मेरे पास तो 2-3 वॉच है मैं वो यूज करूंगी। एग्जाम के टाइम पे मैं ये बोलती कि एग्जाम के टाइम पे एनालॉग वॉच चाहिए। हाँ, पर तूने वॉच मुझे दे दिया था ना व्लॉग के लिए, मेरे को व्लॉग में टाइम दिखाना होता है, अब टाइम में कैसे दिखाऊं दोस्तों, सही है कि नहीं, प्लीज दे दे। ठीक है। हाँ देखो दोस्तों, मेरे सामने हर कोई हार मान जाता है, ये तो सिर्फ पिद्दू सा इंसान है। हाँ फाइनली मुझे मेरा वॉच मिल चुका है, मतलब उसका है बट मान लो ना मेरा ही है। और अभी टाइम हो चुका है 5:59 और आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस व्लॉग में मुझे मेरा वॉच मिल चुका है और आपको पता भी चल गया ना कि आपका भाई कितना टैलेंटेड है, मैं किसी को भी कैसे भी करके मेरा काम निकाल सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।